केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। कमल जी, हाल फिलहाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस द्वारा कुछ मिसबिहेव के लगातार कुछ शिकायतें आ रही हैं। उस बारे में आज आप एसपी सिटी से भी मिले हैं और आपके साथ में महानगर अध्यक्ष भी रहे हैं। जी जी जी। तो क्या वार्ता हुई उनसे और क्या ये घटनाएं एकाएक क्यों बढ़ गई है? ऐसा नहीं है, वैसे तो सब सही चल रहा है, कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी चल रही है। एक दो लोग जो हैं, अगर उसके बीच में ऐसे हैं, वो ऐसा कर देते हैं, उस संबंध में हम अपने जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे हमारे एसएसपी साहब हैं, एसपी सिटी साहब हैं, उन लोगों से मिलते हैं। कभी भी कोई बात हो जाती है, जैसे कि यही मुद्दा आपने बताया है, तो इस मुद्दे पर भी मैंने महानगर अध्यक्ष जी से बात करी, आदरणीय अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने फिर आज एसपी सिटी साहब से बात करी है और उसका भी हल बहुत सम्मानित तरीके से निकाल दिया गया है। उसमें कल हमारे दीपक गुप्ता जी थे, उनका मामला था, तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा कल का जो सीओ ब्रह्मपुरी जी का जो व्यवहार था उसके अंदर। उस संबंध में हम उनसे मिले और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, आदरणीय एसपी सिटी साहब ने, कि इस पर मैं कार्रवाई करूँ। तो क्या विवाद हुआ था? ये विवाद उनके फोटोग्राफ को लेकर था, कोई फोटोग्राफर उनके फोटो नहीं दे रहा था। तो कोई भी विवाद होता है जाता तो थाने में ही है, वो जो भी कानून को मानने वाला व्यक्ति है वो थाने में ही जाता है, लेकिन थाने में उसके साथ अन्याय ना होकर न्याय होना चाहिए। लेकिन कल जो उनके साथ हुआ वो मुझे खुद अच्छा नहीं लगा और उसमें सीओ साहब की जो भूमिका थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। इस संबंध में मैंने आदरणीय अध्यक्ष जी से बात करी, उसी बात को लेकर एसपी सिटी से मिले थे, उसका निराकरण हो गया। बता रहे हैं आज आपने वहां बहुत तीखे तेवर भी दिखाए? नहीं नहीं, तेवर की बात नहीं है। जब भी कोई कार्यकर्ता होता है, देखिए किसी का मान मर्दम करने का कोई उद्देश्य नहीं है, किसी का मान मर्दम हमें नहीं करना है, लेकिन अपने कार्यकर्ता का सम्मान के साथ भी हम किसी से खिलवाड़ नहीं हो। अभी हाल ही में एक सभासद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई, मैंने वो मुद्दा भी आदरणीय एसपी सिटी साहब के सामने रखा है अध्यक्ष जी की मौजूदगी में, कि वो जो एफआईआर है वो भी सही नहीं है। कल आदरणीय विधायक जी ने भी इस संबंध में बड़े अफसरों से बात करी थी, आदरणीय अमित अग्रवाल जी, तो उसमें भी सबका ध्यान आकर्षित करा है प्रशासन के अधिकारियों का, और उसके अंदर भी जिसकी संलिप्तता होगी थाने के अंदर उसकी भी पुलिस जांच कर रही है, ऊपर के अधिकारी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। इसमें ये बताया जा रहा है कि उस समय सभासद वहां मौजूद नहीं थे, बावजूद इसके उसके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। हाँ हाँ बिल्कुल, वो सभासद वहां मौजूद नहीं थे। और देखिए, किसी की भी कोई कंप्लेंट होती है, किसी का भी कोई दिक्कत होती है, वो थाने में ही जाता है, और वो भी जिनके साथ हुआ वो भी थाने में गए। लेकिन एक सभासद एक 10-15 हज़ार लोगों के जनप्रतिनिधि हैं जी, 15 हज़ार लोगों के द्वारा उनको चुनकर नगर निगम में भेजा गया है। पुलिस के जो वहाँ पर जो इंस्पेक्टर हैं उनको भी देखना चाहिए कि आप एफआईआर लिख रहे हो 307 की, तो सच्चाई का पता तो कर लो कि वो जनप्रतिनिधि वहाँ पर थे या नहीं थे। उससे पहले ही सीधे एफआईआर लिखी, इस बात का हमारे कार्यकर्ताओं में और हमारे में इस बात का रोष है, और इस रोष से आदरणीय एसपी सिटी साहब को, आदरणीय एसएसपी साहब को अवगत करा दिया गया। लेकिन एक बात है कि ये एक सभासद एक जनप्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा, ये बात उन्हें बता दी। तो फिर एक आम आदमी कैसे उसके आपके थानों में सुनवाई हो रही होगी इस समय? नहीं, ऐसा है, देखिए आप रवि भाई साहब, यहाँ पर लोग भी आते हैं, हमारे माननीय विधायक जी भी बैठते हैं, माननीय मंत्री जी भी बैठते हैं, और अगर कोई कहीं कोई ऐसी बात आती है, देखिए कोई भी एक पुलिस का अधिकारी या कोई इंस्पेक्टर या कोई भी हो, वो पूरी सरकार नहीं हो सकता, उसको लेकर हम सरकार के लिए कुछ नहीं बोल सकती। सरकार का की जो कानून व्यवस्था है उसे भी पुलिस प्रशासन ही चला रहा है, कितने अच्छे तरीके से चला रहा है इस सरकार को। और देखिए ये सब आदरणीय महाराज योगी जी के द्वारा जो उन लोगों को अधिकार दिए गए हैं, उनको पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया गया है, इसका भी ये प्रमाण है कि इस हमारे प्रदेश से क्राइम कंट्रोल हो गया। लेकिन अभी हाल ही में अगर आपको याद हो तो एसएसपी ऑफिस में ही एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की, पहले वो थाने गई थी और लगातार चक्कर काटती थी, उसे आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मजबूरी में एक महिला को इस हद तक पहुंचना पड़ा कि उसे अपने ऊपर तेल डालना पड़ गया। जिसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे मौजूदा अधिकारी है, जो मौजूदा पुलिस है,
वो एक आम आदमी की बात को नहीं सुन रही है। जी ऐसा है ना, मैंने आपसे इससे पहले भी कहा है कि कोई भी एक व्यक्ति के ऊपर हम सब लोगों को आरोपित नहीं कर सकते। अगर किसी के द्वारा इस तरह का कार्य किया जाता है तो जभी तो वो बहन जी SSP ऑफिस तक पहुंची है जिनके द्वारा ये प्रयास करा गया। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों को जो इस तरह के अधिकारी हैं उनके उनके संबंध में हमारे हम शासन में भी और अपने यहाँ पर प्रशासन में आदरणीय जिला अधिकारी जी को आदरणीय SSP साहब को समय समय पर अवगत कराते रहते हैं, वो भी हमारी बात सुनते हैं और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, होनी भी चाहिए जिन लोगों ने जो इंसाफ नहीं देते। हमारी सरकार में ऐसा नहीं है, ना ही ऐसा चलने वाला। एक ये बयार बह रही है कि कुछ सत्ता चेंज हो रही है, तो कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि जिसकी वजह से एकदम से भाजपा पदाधिकारी हो या भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज होने लगी है? ऐसा कुछ नहीं है, स्पष्ट है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। मतलब 4 जून को जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको लेकर के आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं? आश्वस्त नहीं, रिजल्ट की औपचारिकता ही बाकी रहती, यानी कि सरकार फिर दोबारा से बन रही है? बिल्कुल, दोबारा से, तीसरी बार। और यहाँ जो अरुण गोविल रहे हैं उनके बारे में ये रहा कि वो जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए अगले दिन ही वो लापतागंज हो गए। अरुण गोविल जी हैं, यही हैं। हाँ, और देखिए ये बात भी बहुत अच्छी ये है। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोकसभा क्षेत्र के यहाँ पे संयोजक रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने हरा। आपके माध्यम से मैं ऐसे लोगों को जो नकारात्मक इस बात को प्रचारित करते हैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ और उनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि नकारात्मक प्रचार से बचे। ऐसे प्रचार से कोई राजनीतिक लाभ ऐसे लोगों को होने वाला नहीं है, चाहे वो किसी भी दल के। उन्होंने काम कुछ करा नहीं, जनता के लिए कुछ करा नहीं, अब तरह तरह के मुद्दे उठाते हैं। देखिए आदरणीय अरुण गोविल जी अब नेता हैं लेकिन अभिनेता भी। वो चुनाव में आए, एकदम चुनाव में उनको भेजा गया, पूरे माह वो चुनाव में सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक चुनावी मैदान में रहे। और देखिए ये भी आपको पता है कि एक जनरल व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तो उसके लिए अगर भीड़ सड़कों पर 100 लोगों की है तो अरुण गोविल जी के लिए 1000 लोग सड़क पर आ जाते हैं। तो जो क्षेत्र जनरल व्यक्ति 1 घंटे में करता है उन्होंने 3-3 घंटे उनको लग जाते हैं। तो पूरे महीने वो चुनाव में रहे और जब चुनाव पूरा हो गया तो शाम को वो कार्यालय में आए, सब लोगों का उन्होंने धन्यवाद करा। आदरणीय हमारे माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वाजपेयी साहब, आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी जो हमारे सांसद हैं, महानगर के अध्यक्ष आदरणीय हैं शिवकुमार ऋतुराज जी, आदरणीय शिवकुमार राणा जी और भी बहुत कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उन्होंने शाम को सबका धन्यवाद करा और सुबह को उनको जाना था तो वो चले गए। उसके बाद भी अब जब चुनाव समाप्त हो गया तो आदमी का कोई काम है कहीं चला गया तो उस बात को लेकर इस तरह का प्रचार कर दे, इससे उनको मिलेगा क्या? लेकिन अगर आप ये देखें तो ये पाया जाएगा कि डे वन से जिस दिन वो यहाँ पहली बार टिकट घोषित होने के बाद जब पहली बार मेरठ आए तो तब से लेकर के उनके जाने तक लगातार उनको लेकर के तमाम तरह की धारणाएं और कयास लगाए जाते रहे, आरोप भी लगते रहे कि, और ये भी आप ही के पार्टी के लोग ये साबित करते रहे कि बाहरी व्यक्ति है। देखिए रवि भाई साहब, ये चुनाव लोकसभा का है, आप गंगानगर में रहते हैं, यहाँ के मेरठ के निवासी हैं नगर निगम क्षेत्र, पहले आप इधर शहर में रहते थे, अब आकर गंगानगर से आकर शहर का क्षमा कर चाहते हुए कह रहा हूँ, आप नगर निगम का चुनाव लड़ने लगो सभासद का या किसी अन्य उसका तो लोग कहेंगे गंगानगर का आदमी यहाँ आ गया। कोई भी व्यक्ति अगर अपने शहर का रहने वाला बाहर रोजगार की तलाश में जा रहा है और रोजगार के लिए जाता है, मैं भी बाहर जाता हूँ अपने रोजगार के लिए, मेरा भी हैंडलूम का काम, और उसने वहां पर भी अपना नाम स्थापित करा, इस बात का हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि अरुण गोविल जी ने यहां से मेरठ से मुंबई जाकर अपना नाम स्थापित किया और मेरठ का नाम रोशन किया। जितना भी उन्होंने वहां पर करा मेरठ को ही जोड़ कर करा, मेरठ का नाम रोशन किया, और उन्होंने हमेशा कहा कि मैं मेरठ का ही हूं और मेरठ में वो चुनाव लड़े तो भारी कहां से हो गए साहब। अच्छा, इसी बाहरी के साथ साथ एक दूसरी कंट्रोवर्सी भी हुई कि उन्होंने दलित के यहाँ एक भोजन किया और उस भोजन के दौरान जो बाकी पदाधिकारी थे आपको छोड़ करके उन लोगों ने उस भोजन को हाथ भी नहीं लगाया। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। महानगर अध्यक्ष जी ने भी भोजन किया, आदरणीय अरुण गोयल जी ने भी किया, उस बात की वीडियो मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन इसके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो इस बात को प्रचारित कर वीडियो काट कर ये कट कर और ये आपके सामने पेश कर रहे हैं, जैसे कि मैंने देखा कि अन्य दलों ने उस समय पर करा, कि वो राजनीति में एक गिरने की सीमा होती है।
लेकिन उन्होंने तो वो सीमा भी समाप्त कर दी, इतने गिर गए। और देखिए धारणा बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि हम किसके घर जा रहे हैं, कोई भी जाति का व्यक्ति हो वो हमारा है। हमने ये तय करा कि बहन नीतू जाटव जी के जाना है, पार्षद अरुण मचल जी के जाना है, तो हम गए। और इस बात को इस तरह से प्रचारित करना, हम तो सभी जाति के लोगों के पास गए, लेकिन उनको वीडियो सिर्फ वही देखनी थी, जिससे वो एक ऐसा राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। ये मैं सारे उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग नकारात्मक प्रचार करते हैं और जनता को अपना मुद्दा समझाने में तो सक्षम नहीं है, लेकिन दूसरे को आरोप लगाकर, अनर्गल और झूठे आरोप लगाकर अपनी कामयाबी समझते हैं। ये उन लोगों के लिए है कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। हम थे ऐसे सफर पर चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं, एक खुशी की तलाश में थे, सारे गम हमसे टकरा गए। अब सारे गम उनसे टकरा गए, उन्हें सीट उनके आसपास नहीं है, 12 बीघे में दाना नहीं है उनके पास। तो इस तरह के अनर्गल प्रचार कर आदरणीय अरुण गोविल जी ने भोजन करा, मैं आपको रवि भाई साहब में वीडियो दूंगा, आदरणीय महानगर अध्यक्ष जी ने करा, आदरणीय अमित अग्रवाल जी भाई साहब विधायक हमारे, आदरणीय डॉक्टर सोमेंद्र जी, सभी लोगों ने भोजन करा। लेकिन क्योंकि उसमें जो वो जिसके अंदर वो ढूंढ रहे थे उसमें कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला उन्हें जिसमें मैं भी ना कर रहा हूं, नहीं तो वो मुझे भी कहते। सभी लोगों ने भोजन कराया और बहन नीतू जाटव जी भी बहुत प्रसन्न थी, वहां के हमारे क्षेत्र के सभी लोग बहुत प्रसन्न थे, हर्ष था, और उनका इंटरव्यू भी मैं आपको दे दूंगा। मेरठ प्रत्याशी कितने वोटों से विजयी घोषित हो रहे हैं? देखिए लाखों से होंगे। लाखों मतलब? लाखों से। लाख में कितने लाख? लाखों में तो कितने भी लाख हो जाते हैं। लाखों से होंगे, देखना। सब लोगों की जो ये इधर उधर जो हाय तौबा करते हैं ना, ये इन्होंने, इनका कोई मुद्दा नहीं था, ये हमारी कमी निकाल निकाल कर बता बता कर चुनाव लड़ रहे थे। इन्होंने ये नहीं बताया कि हम आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन्होंने तो हमारे इस मेरठ में हमारी कमी बताकर चुनाव लड़ रहे थे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, ना इनके पास मुद्दा है, इनके पास वो दिमाग ही नहीं है जिसमें से मुद्दा निकले। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का निर्माण है। आप देखिए, किसी ने रोका था मेरठ में रैपिड रेल के लिए किसी को लाने के लिए? ये मेरे घर के बाहर स्टेशन बन रहा है, किसी ने रोका था क्या रैपिड रेल के लिए? किसी ने रोका था क्या मेरठ एक्सप्रेस वे बनाने के लिए? विकास की बात अब छोटी बन चुकी है मोदी जी के सामने। विकास एक ऐसी चीज हो चुका है कि मोदी जी आएंगे तो विकास तो आएगा ही, एक दूसरे की परवाह चाहिए मोदी जी और विकास। तो आप देखिए मेरठ कहां से कहां पहुंच गया, मवाना रोड, बागपत रोड, जिसके पास सिंगल रोड थी, एक एक घंटे में। मैं खुद हिसाब दे गांव का रहने वाला हूं, जब मैं यहां से जाता था बस से, छोटा था, तो मुझे यहां से 30 किलोमीटर में 1.5 घंटा लगता था। अब वही बस मुझे 25 मिनट में पहुंचा रही है, अपने व्हीकल से आदमी 20 मिनट में पहुंच रहा है, गति से प्रगति। हाँ, आदरणीय हमारे नितिन गडकरी साहब ने उनके ऑफिस में लिखा है कि अमेरिका रिच है इसलिए उसकी सड़क अच्छी नहीं है, उसकी सड़क अच्छी है इसलिए रिच है। तो हमारे देश में सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सड़कों पर काम किया। आप देखिए कहीं भी जाएं मेरठ से, आपको तुरंत रोड पकड़ लोगे आप। मैं यहां से बैठा हूं जिस घर में, यहां से 5 मिनट में निकलकर मैं हाईवे पर पहुंच जाता हूं, 40 मिनट में दिल्ली पहुंच। अभी हाईवे और सड़क से ही जुड़ा मामला आपके यहां चल रहा है, एक रिंग रोड को लेकर के। जी जी, उसमें पूरे भाजपा के जितने भी बड़े दिग्गज पदाधिकारी हैं वो सब लोग अपने अपने अलग हिसाब से अपनी डपली अपना राग बजा रहे हैं, तो वो उसके लिए क्या आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? कोई अलग अलग नहीं है, सब एक है। देखिए, जब हमारा मन सकारात्मक होता है, राष्ट्र, कोई आदमी श्रीराम पैलेस से जा रहा है तो कोई रेलवे रोड से जा रहा है, मंजिल तो वही है ना, दिमाग में तो एक ही बात है ना कि लिंक रोड बननी चाहिए। लिंक रोड से 5 लाख लोगों का, 4 लाख लोगों का रास्ता रोज जाम की समस्या से निजात मिलेगी, दिमाग तो सबका वही है, और दिशा में सब उसी में काम कर रहे हैं। विपरीत दिशा में कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी बात नहीं कर रहा। मैं बेहद ईमानदारी से कह रहा हूं कि हमारा एक एक नेता बेहद ईमानदारी से लिंक रोड के लिए लगा हुआ है, और ये अब कोई, अब इसमें बाधा नहीं है, अब ये अगले एक महीने में आपको सारा स्वरूप सामने आ जाएगा। अभी एक शहर की एक और प्रॉब्लम सामने आई है, जिसमें जो आपका गुलमर्ग का इलाका है वहाँ पर एक बकरा पैंट लगा करती थी, वो आप लोगों के काफ़ी कोशिश के बाद वहाँ से हटी, चूँकि सीधी सीधी सी वहाँ पर ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या हुआ करती थी, उधर से निकलना लोगों के लिए बहुत दूभर हो जाता था। अब वो देखने में आया है कि वो पैंट जो है वो
नौचंदी ग्राउंड के आसपास में शिफ्ट हो गई है और वहीं पर वो प्रॉब्लम फिर दोबारा से क्रिएट हो गई है जो पहले मेरी जानकारी में, मेरी जानकारी में है वो उसके समुदास गेट के पैरेलल जो गेट जा रहा है आगे को जो बाहर रोड जा रही है मेन रोड जो हापुड़ की तरफ जाती है वो उस पर दोनों तरफ लगा देते हैं। मैंने यहाँ के जो वहाँ के सीओ सिविल लाइन है उनको वीडियो भी भेज दिए उसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है। वो दोनों तरफ लेके खड़े हो जाते हैं बकरे और कोई पैट नहीं है वहाँ ना पैट कोई लगेगी। मेरा विरोध है प्रशासन से आपके माध्यम से भी कि उसे जल्दी से जल्दी हटा दें वहाँ कोई बकरा चमकना नीचे। और दूसरी बात मैं आज माननीय अपने जो माननीय महानगर अध्यक्ष उनके साथ में जब एसपीसीडी साहब के ऑफिस में गया था तो मैं वहाँ पर एसपीसीडी साहब को भी नोट करवा के आया कि ये बकरा पैट ना तो कहीं है ना कोई इसका कोई परंपरागत है इसका कोई लेना देना नहीं है ये हटनी चाहिए। इससे जनता को परेशानी है बहन बेटियों को परेशानी है जाम की समस्या से वैसे ही मेरठ जूझ रहा है और ये उसके अंदर एक कोड़ में खाज का काम कर रही है। अच्छा एक सवाल और इसमें कट जाएगा फिर दोनों से आप मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के संयोजक रहे जी चुनाव संपन्न हो चुके हैं और बहुत अच्छे हुए इसमें आपको क्या उम्मीद है कि आपका जो मुख्य मुकाबला है वो किससे मान रहे हैं आप? मुख्य मुकाबला तो किसी का नहीं है बात तो पहले और दूसरे नंबर की है जी मुकाबला तो किसी से है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का और उसका कारण है आदरणीय मोदी जी। आदरणीय मोदी जी के द्वारा पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया गया पूरे विश्व में जो हमारी स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति देखिए 14 को बहुत दिन नहीं हुए अभी कोई व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 50 साल हो वो 10 साल पहले अगर विदेश में गया हो और उसके बाद 14 के बाद जा रहा हो तो उसको पता चल जाएगा कि उसके सम्मान का कितना फर्क आया है। और बराबर में ऐसा देश भी अगर उसके किसी के बीच में पाकिस्तान की मोहर लग गई तो बाहर चेकिंग होती है उसकी। और आदरणीय मोदी जी के आने के बाद में पूरे विश्व में और कई देश तो ऐसे हो गए हैं भाई साहब रवि भाई साहब देखो कितने गर्व की बात कि कितने देशों में भारत की करेंसी चल रही है। और सबसे बड़ा उदाहरण उसका पेट्रोल है पेट्रोल आसपास के देशों में 300 रुपए लीटर है हमारे यहाँ 100 रुपए लीटर है ये किसकी सूझबूझ है ये किसकी दूरदर्शिता है ये देखा किसी ने? हमारे देश के नागरिकों को 100 रुपए लीटर मिल रहा है हमारे देश के 80 करोड़ लोगों को भोजन राशन फ्री मिल रहा है किसी ने देखा? ये कोई नहीं देखा। असलियत में है क्या जो लोग पहले शासन कर चुके उन पर मुद्दे नहीं थे वो अपना निर्माण करते थे और मोदी जी जनता का निर्माण कर रहे हैं हमारे देश का निर्माण कर रहे हैं और हमारा देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब ये 3री अर्थव्यवस्था उनके 3रे कार्यकाल में बनेगा। तो ये थे कमल दत्त शर्मा हमारे साथ मेरठ लोकसभा क्षेत्र के संयोजक इनको बनाया गया था शुरू में ही इनको जिम्मेदारी दे दी गई थी और इन्होंने बेहद ही बखूबी इस दायित्व का निर्वाह किया है। कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। आपका धन्यवाद कि आपके माध्यम से जनता तक मेरी बात पहुंचेगी। कुछ लोग जो अनर्गल प्रलाप करते हैं उनका भी जवाब आपके माध्यम से पहुंचेगा। मीडिया एक ऐसा माध्यम है हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लोगों से कि हम जितने लोगों से मिल भी नहीं सकते उतने लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक प्रार्थना और करूंगा आपके माध्यम से जनता जनार्दन से किसी का भी कोई कार्य हो मेरे लायक मैं उनकी सेवा में तत्पर हूँ। सुबह 11 बजे से जब जैसे ही सरकारी ऑफिस खुलते हैं उस समय से मैं यहाँ पर बैठता हूँ और 1-1.5-2 बजे तक जब तक जनता का एक एक मुद्दे पर मैं बात नहीं कर लेता जब तक मैं उठता नहीं हूँ तो मेरे लायक कोई भी समस्या मेरे लायक कोई ऐसा काम हो जिससे मैं उनकी सेवा कर पाऊँ तो मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। आप सबका के लिए मैं निवेदन करता हूँ कोई ऐसी बात हो तो कृपया एक बार सेवा का अवसर दें। धन्यवाद।